आचार्य श्री वीरेंद्र शास्त्री जी, आर्य समाज जींद शहर के बहुत ही सुयोग्य विद्वान पुरोहित और यज्ञ के ब्रह्मा श्री पंडित सुरेश कुमार शास्त्री जी, आर्य समाज के सम्माननीय प्रधान मास्टर श्री राजवीर आर्य जी, सम्माननीय मंत्री बहन श्रीमती विनीता आर्या जी, कोषाध्यक्ष सम्माननीय श्री नरेश कुमार आर्य जी, सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, दूर से पास से इस सत्संग में समागत सभी धर्मनिष्ठ सज्जन वृंद, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से अनुदित व्यायाम शिक्षक आदरणीय भाई श्री सूर्यदेव आर्य जी, सम्मान्य माताओं, सौभाग्यवती बहनों, परमात्मा की वाटिका के हंसते मुस्कुराते पुष्प प्यारे बच्चों, बालिकाओं, बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे पश्चात सुंदर और सारगर्भित प्रवचनों की श्रृंखला जैसे कल से चल रही है, एक कड़ी उसमें आज और जुड़ेगी आदरणीय श्री वीरेंद्र शास्त्री जी के द्वारा। मैंने तो एक गीत परमात्मा से प्रार्थना करते हुए रखा है, ये समर्पण का भाव है। पूरी तरह से कवि ने पूरा समर्पित कर दिया है कि प्रभु कोई कुछ भी हो, कहीं भी हो, बस मेरे तो आराध्य भी आप ही हो और मेरे सदन अर्थात मेरे घर की शोभा भी आप ही हो। जैसे बादलों को देख करके मोर प्रसन्न होता है, इसी प्रकार से मेरे मन रूपी मोर के लिए तो आनंद के घन, आनंद के बादल आप ही। अच्छा, परमात्मा पर अगर विश्वास है तो वो कभी भी मृत्यु से भी भय नहीं खाता। मुझे एक ऐतिहासिक घटना याद आती है। अकबर के दरबार में एक कवि सम्मेलन हो रहा, उसमें बहुत कवि इकट्ठे हुए थे। अकबर ने उनको एक लाइन, एक पंक्ति ये दे दी कि अपनी कविता में ये पंक्ति जरूर आनी चाहिए। पंक्ति थी, रखियो आस अकबर की। जो भी कवि उठता था उनमें, वो बहुत चापलूसी की कविताएं पढ़ता और ये पंक्ति उसकी कविता में जरूर आती, रखियो आस अकबर की। अंत में गंग कवि का नंबर आया। गंग यद्यपि अकबर के नवरत्नों में से एक था, किंतु उसे कवियों की इस चापलूसी से बहुत दुख हुआ, क्योंकि कवि की कलम जब चापलूसी करने लगती है तो हालात अच्छे नहीं रहते। जैसे ये आजकल मीडिया वाले जो है ना, बिक जाते हैं, सारे हदें पार कर जाते हैं, तो पतन होता है राष्ट्र का। गंग ने उन कवियों को धिक्कार और अपनी कविता पढ़ी और ये लाइन भी जरूर आनी थी उसमें, तो कवियों के विषय में कहता है, अब के दुनिया दुनिया को भजे, सर बांध के कोट अटपर की, चापलूसी करें करें हाँ में हाँ, जिन्हें लाज नहीं कुल धब्बर की, गंग को एक आधार प्रभो, जो बात न माने जब्बर की, और जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं वो रखियो आस अकबर। जिसे भगवान पर भरोसा नहीं है वो अकबर की आशा करना। कवि अपने ढंग से अपनी बात कह जाता है, कभी कभी ऐसे कवियों को लोग फांसने का भी षड्यंत्र रच देते हैं। एक मुशायरा हो रहा था और उस मुशायरे में भी एक श्री कृष्ण का भक्त बेचारा जा फंसा। वहां भी एक लाइन दी गई थी और वो लाइन क्या थी कि देखो सबको ये बोलनी है। क्या लाइन थी कि बद नसीब है वो जो कायल नहीं इस्लाम के। चक्कर है ना फंसने का, बदनसीब है वो जो कायल नहीं इस्लाम के। लेकिन जब उस कृष्ण भक्त का नंबर आया
तो उसने भी, क्योंकि कवि तो कवि होता है, कवि क्रांतदर्शी होता है, परमात्मा को भी कवि कहा गया, परमात्मा भी कवि है, उसने वेद जो है कविता में दिए, तो कवि क्रांतदर्शी होता है, उसने भी अपनी कविता पढ़ी और क्या उसने एक शेर बोला कि लाम के मानिंद है ये गेशु मेरे घनश्याम। लाम एक अक्षर है अरबी का, उर्दू का, वो इस तरह से होता है। और श्री कृष्ण के बाल भी घुंघराले बाल थे, उसमें भी कुछ बाल वो लाम की आकृति के बन रहे। तो उस कवि ने बहुत सुंदर पंक्ति कही, कहता है कि लाम के मानिंद है ये, अर्थात लाम की तरह से ही है, लाम के मानिंद है ये गेशु मेरे घनश्याम के, और बद नसीब है वो जो कायल नहीं इस लाम के, इस लाम के। तो कवि क्रांतदर्शी होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब गंग ने ये कविता पढ़ी कि जिसको प्रभु पर विश्वास नहीं वो रखियो आस अकबर की, तो अकबर ने अब तक अपनी प्रशंसा सुनी थी गंग के मुंह से, और ये सोच करके कि मेरे दरबार का कवि है और इस तरह की बातें कर रहा है, तो बोले इस गंग को हाथी के पैरों के तले कुचलवा दो, ये फतवा जारी कर दिया। फतवा बहुत जल्दी जारी करती है, एक फतवा जारी हुआ है वहां से देवबंद से, आया होगा आपके भी फोन पर आया होगा। और वो उन्होंने जारी क्या किया है कि सब मुसलमान भाइयों से ये अपील की जा रही है कि हिंदू अर्थात काफिरों के बस्ती में आप सब्जी फल आदि ऐसे चीज मिलाकर के बेचो उसमें जो केमिकल्स आदि हों और वो ज्यादा से ज्यादा बीमारियों की शिकार हुए। ये फतवा, ये बहुत फतवे निकालते हैं। अकबर ने भी फतवा जारी कर दिया कि इस गंग को हाथी के पैरों के तले कुचलवा दो। हाथी को लाया गया, हाथी झूमता हुआ आ रहा है, गंग सभा के बीच में खड़ा हुआ और खिलखिलाकर हंसने लगा। अकबर ने कहा गंग मृत्यु का तो नाम सुनकर के प्राण निकल जाते हैं और तेरे सामने साक्षात मृत्यु आ रही है तो फिर भी हंस रहा है। कहने लगा कि देखो बादशाह, मरते तो तुम हो, हम मरते नहीं है, हम मरते नहीं है, हमारा तो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है हमारा तो, मैं तो भूल गया था, मैं तो भूल से यहां आ गया, मुझे तो एक बहुत बड़े दरबार में जाना था। अब इस तरह की बात सुनकर कहे अकबर कहने लगा कि लगता है कोई स्क्रू भी ढीला हो गया है, अरे इससे बड़ा दरबार कोई और होगा क्या? कहते हैं हाँ है, इससे बड़ा दरबार है और मुझे वहां जाना है, मेरा प्रमोशन है, ट्रांसफर हो रहा है। बोले क्या, कहां जा रहा है? कहता है देवन को दरबार लगे, देवताओं का दरबार लगा हुआ है, देवन को दरबार लगे जहां पिंगल छंद बनाए के गायो, काहू पे अर्थ कियो ने गयो, तब नारद ने प्रसंग उठायो के मृत्यु लोक में एक कवि जब गंग का नाम सभा में गायो, चाह भई तब प्रभुवर को तो गंग को लेन गणेश पठायो, गंग को लेने के लिए भेजा। ये है ईश्वर पर विश्वास, और ईश्वर विश्वासी कभी मृत्यु से भी डरता नहीं है। श्री कृष्ण जी महाराज ने यह उपदेश कर दिया है अर्जुन को माध्यम बना करके, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता, इसे शस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और अग्नि जला नहीं सकता। आत्मा अजर अमर है। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, समर्पण का भाव रखते हुए प्रकाश जी का गीत मैंने आपके सामने रखा है। जिस दिन ऐसा समर्पण हो जाएगा, देखो समर्पण भी दो तरह का होता है, एक तो होता है बिल्ली के बच्चे की तरह से और एक होता है बंदरी के बच्चे की तरह से।
बंदरी का बच्चा भी समर्पण करता है, अपनी माँ को छाती से चिपका पीता है, लेकिन ऐसे कसकर के पकड़ लेता है कि बाल भी उखड़ जाते हैं उस बेचारी के। वो बंदरी का बच्चा है, उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं है अपनी माँ पर, जबकि वो एक हाथ से पकड़ करके भी रखती है और तीन पैरों से उछल कूद करती जाती रहती है, मेरा बच्चा ना गिर जाए। पर उस बच्चे को पूरा विश्वास नहीं है कि माँ संभाल लेगी। और बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा जब तक अपने आप चलने लायक ठीक ठाक होता है तब तक 9 स्थान बदल देती है और अपने पहने नुकीले दांतों के बीच में उसे लेकर के जाती है, और वो बिल्ली का बच्चा पूरी तरह समर्पण कर देता है, जरा सी खरोंच भी नहीं आती, उसे विश्वास है कि मेरी माँ है। बिल्ली के बच्चे की तरह से समर्पण का भाव जब आ जाएगा तब परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर, या यूं समझ लें जैसे आचार्य जी कह रहे थे कि एक जीवन में नहीं, दो जन्मों में नहीं, 100 जन्मों में नहीं, 1000 जन्मों में भी अगर मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो घाटे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है। अच्छा चलो, ये तो मैंने परमात्मा की भक्ति के लिए एक गीत सुनाया, छोटे छोटे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, एक गीत सुनाता हूँ, सुनोगे? दिनचर्या अपनी कैसी होनी चाहिए? सवेरा सोए सवेरा जागे, सवेरा मतलब सुबह सुबह, सुबह सुबह सोए नो, या सवेरा का अर्थ है जल्दी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू, ये मतलब है इसका, जल्दी सोए जल्दी जागे। और सुभाष जी को तो हमारे नींद ही नहीं आ रही है बेचारे, कब कोई कब जाए, वास्तव में बहुत परेशान है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। देखो नींद ना आना भी ये अस्वस्थता की पहचान है, इसलिए नींद भी बहुत जरूरी है, पर हद से ज्यादा नींद भी अच्छी। तो जल्दी सोए जल्दी जागे, जग की दौड़ में सबसे आगे, निश्दिन बढ़ते जाएंगे, कभी नहीं दुख पाएंगे। सवेरा सोए सवेरा जागे, जग की दौड़ में सबसे आगे, निश्दिन बढ़ते जाएंगे, कभी नहीं दुख पाएंगे। सवेरा सवेरा प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उषा पान करें, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, आगे वाले बेटा, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कौन सा होता है? सूरज निकलने से 1 घंटा पहले तक, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उषा पान करें, शौचादि से निवृत्त हो आसन मर्दन स्नान करें, शौचादि से निवृत्त हो आसन मर्दन स्नान करें, फिर स्थान एकांत शांत में परम पिता का ध्यान करें, ऐसे श्रद्धालु भक्तों की रक्षा वो भगवान करे, ऐसे श्रद्धालु भक्तों की रक्षा वो भगवान करे, आलस और प्रमाद को त्यागे, जग की दौड़ में सबसे आगे, निश्चिंत बढ़ते जाएंगे, कभी नहीं दुख पाएंगे। ओ, सवेरा सोए सवेरा जागे, समझ में आ गई होगी। जल्दी उठना, जल्दी उठने के बहुत फायदे, हर रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो पावत है,
उस समय जो सोता है वो खोता है। सुनो बच्चों, जो उस समय सोता है वो खोता है। खोता समझ गए, सब जान गए। तो खोते ना बने, हम आदमी बने रहे, इंसान बने रहे, तो जल्दी जाग जाए जल्दी। एक माँ बाप की एक अकेली लड़की थी, और कोई संतान नहीं थी, और वो लाड प्यार में ऐसी पल रही थी कि सुबह को तो वो आठ बजे से पहले कभी नहीं उठती थी, आठ बजे उठती। जब बड़ी हो गई, विवाह का समय हो गया, तो पिताजी ने हाथ जोड़ करके उससे कहा, मेरी बेटी एक काम करना, अपने ससुराल वालों से एक घंटा पहले जरूर जाग जाया करना, उठ जाया करना। कहते ठीक है पिताजी, और ससुराल चली गई। ससुराल जाकर के जब वापिस आई तो पिताजी ने फिर हाथ जोड़ करके पूछा, बेटी किस टाइम उठती थी? कहने लगी, पिताजी 9 बजे उठ जाती थी। तेने तो नाक ही कटवा दी, तुझे कहा था ससुराल वालों से कम एक घंटा पहले उठना चाहिए तुझे। वो कहते पिताजी वो 10 बजे से पहले उठते हैं। बोलो इनको क्या कहे कोई, वो तो बेचारी पिताजी के आदेश का पालन कर रही थी, उनसे एक घंटा पहले उठना है उसको, तो वो ही 10 बजे उठेगी तो ये क्यों 5 बजे उठेगी। तो ये जल्दी उठने का बहुत फायदा होता है, जो जागता है वो उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। दूसरी बात आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं, सदा सत्य और सार्थक मीठी वाणी का ही प्रयोग करें। सदा सत्य सार्थक और मीठी वाणी का ही प्रयोग करें, तत्परता के साथ सफल पुरुषार्थ, तत्परता के साथ सफल पुरुषार्थ सफल उद्योग करें, तत्परता के साथ पूर्ण पुरुषार्थ सफल उद्योग करें। तन मन वचन आचरण साधन से संपन्न आरोग्य करें, परिश्रम से जो द्रव्य मिले संतोष से उसका भोग करें। मैं तुम्हारे लिए सुना रहा हूं, तुम ही सुन नहीं रहे, ये तो सब जानते हैं बातों को, आप तो शायद नहीं पता बेटा। सदा सत्य और सार्थक मीठी वाणी का ही प्रयोग करें, तत्परता के साथ पूर्ण पुरुषार्थ सफल उद्योग करें, तन मन वचन आचरण साधन से संपन्न आरोग्य करें, परिश्रम से जो द्रव्य मिले संतोष से उसका भोग करें, परिश्रम से जो द्रव्य मिले संतोष से उसका भोग करें। जो नित्य निज कर्म पे लागे जल की दौड़ पे सबसे आगे, जिस दिन बढ़ते जाएंगे कभी नहीं दुख पाएंगे, वो सवेरा सोए सवेरा जागे। जो नित्य निज कर्म पे लागे, अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपको स्कूल से होमवर्क मिलता है कि नहीं? होमवर्क मिलता है? तो कितने बच्चे ऐसे जो अपने आप होमवर्क करते हैं घर जाकर? सब करते हैं, सब अपने आप नहीं करते, ये तो करते ही नहीं है। ये भी इनमें भी कई बच्चे ऐसे होंगे कि जब मम्मी पापा कहते हैं बेटा होमवर्क कर लो तब करते हैं, या अपने आप करते हैं? अपना काम अपने आप करना ठीक है, मम्मी पापा का इंतजार मत करना कि बेटा होमवर्क कर लो, वही है सफल, और नहीं तो विफल। और सच्ची बात कहना, सच्ची बात बोलना, झूठ कभी भी नहीं बोलना, और चोरी कभी भी नहीं करना,
एक बार एक बालक ने स्कूल में दूसरे की पेंसिल चुरा ली। उसने क्लास टीचर से शिकायत कर दी कि किसी ने मेरी पेंसिल चुरा ली। क्लास टीचर बहुत समझदार थे, उन्होंने सब पूरे क्लास में जितने बच्चे थे सबकी एक लाइन लगा दी और आगे एक रस्सी डाल दी उनके रस्सी और कहा कि सब एक एक करके इसमें से उतरो। जिसने भैया ये फिर गया, जिसने चुराई होगी ये रस्सी उसको सांप बनकर के काट लेगी। क्या कहा गुरु जी ने कि ये सांप बनकर के काट लेगी जिसने चुराई होगी। अब उतरते गए, जिनके मन में भय नहीं था, जिन्होंने चुराई नहीं थी, जो सच्चे थे वो उतर उतर करके चलते रहे। अब एक उनमें से जो था, जो सबसे पीछे खड़ा था, वो कहता जी मैं नहीं उतरूंगा इसको। पूछा क्यों, तेने चुराई है? कहता नहीं चुराई तो नहीं है, पर इतने सारे बच्चों का छेड़ा हुआ मुझे जरूर काटेगा। उसे डर था क्योंकि उसने चुराई थी। तो जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, उसे बहुत डर लगता है, और जो सच बोलता है और चोरी नहीं करता उसे कभी भी डरना। अच्छा, झूठ बोलने वाला जो है, अब मान लीजिए मैंने किसी के सामने झूठ बोला, उसने दूसरे से कहा, उसने फिर मुझसे पूछा, तो मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि मैंने उनसे क्या कहा था। क्या ये डर बना रहता है कि इनके सामने कोई दूसरी बात मैं कही जाए? झूठ बोलने वाला भी डरता रहता है और सच बोलने वाले को कोई डर नहीं लगता। जो उनके सामने कहा था वही उनके सामने कहा, क्योंकि जो सच्चाई है वो एक ही होती है और झूठ अनेक होते हैं। झूठ का बोझ ढोना पड़ता है और सत्य का बोझ ढोना नहीं पड़ता। इसलिए सत्य बोलना और चोरी न करना, पुरुषार्थ करना, अपने काम अपने आप करना, ये बहुत जरूरी बात है। तीसरी बात सुना रहा हूं, व्यवहार कैसा रखें एक दूसरे के प्रति। सुखी जनों के साथ मित्रता, जो सुखी है उनसे मित्रता करो। सुखी जनों के साथ मित्रता, दया दीन दुखियों ऊपर, धर्मात्मा को देख मुदित हो, दुष्ट जनों से उपेक्षा कर। श्रवण चतुष्टय आत्मिक उन्नति, सदा पाप करने से डर। कर्मठ कर्म धीर वीरों की, प्रार्थना सुनता है ईश्वर। कर्मठ कर्म धीर वीरों की, प्रार्थना सुनता है ईश्वर। जीवन में संयमी सुभागे, जग की दौड़ में सबसे आगे। निश्चित बढ़ते जाएंगे, कभी नहीं दुख पाएंगे। वो सवेरा सोए सवेरा जागे, जग की दौड़ में सबसे आगे। निश्चित बढ़ते जाएंगे, कभी नहीं दुख पाएंगे। सुखी हैं उनके साथ मित्रता करो, जो दुखी हैं उन पर दया करो, उनका सहयोग भी करो, और जो धर्मात्मा हैं उन्हें देख करके प्रसन्न हो, और जो दुष्ट हैं उनसे ना दोस्ती करो और ना उनसे दुश्मनी करो, उनकी उपेक्षा रखो। ये व्यवहार की बात है। और जो और विचार करके फिर जो है अच्छी तरह से, अगर वो ठीक लग रही है तो जीवन में धारण कर लो, और अगर ठीक नहीं है तो उसको छोड़ दो। चौथी बात और कह रहा हूं, उसको सुनिए। परमात्मा ने ये आंख दी है और देखने के लिए सुंदर दृश्य दिए हैं, सौंदर्य दिया है, पर इन आंखों से देखो तो सही। प्राकृतिक दर्शनीय दृश्य देखो, भालो पर थको नहीं। प्राकृतिक
दर्शन ये दृश्य देखो भालो पर तको नहीं जन कल्याणी अनगिन भाषण दे डालो पर पको नहीं जन कल्याणी अनगिन भाषण दे डालो पर पको नहीं षटरस व्यंजन स्वादिष्ट भोजन पी खालो पर छको नहीं पर उपकार के लिए परिक्रमा पर चालो थको नहीं प्रेमी जो शुभ कर्म कमाए जग की दौड़ में सबसे आगे निश्चित बढ़ते जाएंगे कभी नहीं दुख पाएंगे हो सवेरा सोए सवेरा जागे जग की दौड़ में सबसे आगे निश्चित बढ़ते कभी नहीं दुख पाएंगे तो अगर सुखी रहना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें और नहीं तो दुख ही मिलता है। अच्छा कई लोग हमसे कहते हैं कि तुम क्यों बीमार पड़ते हो, हमारी दिनचर्या एक जैसी रहती है क्या? भोजन में हम पराधीन, सोने में हम पराधीन हैं और आने जाने में हम उसमें भी पराधीन, तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं, फिर भी जो आर्य समाज के टच में नहीं है लोग, उनसे फिर भी आर्य समाजियों का जीवन और स्वास्थ्य उत्तम होता है, अच्छा होता है, आयु भी अधिक होती है। तो इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का प्रयत्न हमको करना चाहिए और नहीं तो जीवन है ये क्या जीवन जिसमें ना रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तो दिन की कहानी है जीवन है ये क्या जीवन इसमें ना रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तो दिन की कहानी है जीवन है क्या जीवन करे प्यार श्रेष्ठ निशानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तो दिन की कहानी है जीवन है ये क्या जीवन जिसमें ना रवानी आटा जो किसी के लगे चलता पग रुक जाए सीने से निकले तेरे और उसके तू काम आए इंसान ही नहीं जिसकी आँखों में ना पानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं दो दिन की कहानी है
यश भी कुछ कमा नहीं सका, प्रभु के भी ना गुण गाए, वो जीना क्या जाने पर, किसी के जो न याद आए, जीते जी जीने की कुछ सार न जानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, दो दिन कार्य नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन ली और ये भी कोई जीवन आए और चले गए। कहते हैं जीवन उन्हीं का सफल है, यश उन्हीं का बढ़ता है जिन्होंने तप और त्याग किया है। बच्चों एक कहानी में सुनाया करता हूं अक्सर, कलकत्ता में एक बहुत बड़ा आदमी हुआ है, 10-12 फुट का नहीं ना, बड़ा का मतलब लंबाई में बड़ा नहीं, बड़ा का मतलब बहुत ज्यादा धन वाला भी नहीं। फिर बड़ा कैसे था? कहते उसका जो हृदय था वो बहुत विशाल था। बचपन में जब स्कूल जाता था तो रास्ते में वो देखता था कि कुछ माताएं मिलती थी, उनको प्रणाम करता हुआ जाता था तो देखता था गले में नेकलेस है, हाथों में कंगन है, अंगूठियां हैं, उंगलियों में है, नाक में भी सोने की नथ फूल है, कानों में कुंडल है, पैरों में पायल है, सब देखता हुआ जाता था। एक दिन अपनी माँ से कहता है, माँ तुम कोई जेवर, कोई गहना, कोई आभूषण नहीं पहनती?
माँ कहती है बेटा हमारे पास धन नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास आभूषण नहीं है। तो वो कहता है कि देखो माँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं पढ़ करके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और जब मेरी सर्विस लग जाएगी, मुझे वेतन मिलेगा, सबसे पहले मैं तेरे लिए बहुत सारे गहने बनवाऊंगा। पढ़ता रहा, बहुत बड़ा आदमी बना, प्रोफेसर हो गया। उसका नाम था डॉक्टर ईश्वरचंद विद्यासागर। अब उसको वेतन जो मिलता वो गरीबों को देखता था, बांट देता है। अपनी माँ के लिए गहने नहीं बनवा सका। कलकत्ता की कुछ सेठानी, अब उसका यश फैलने लगा जहां तहां, चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगी ईश्वरचंद विद्यासागर की। तो कलकत्ते की कुछ सेठानियां इतनी इकट्ठी हुई और विचार किया कि ईश्वरचंद विद्यासागर की माता जी से मिलकर के आए। पूछते पूछते ईश्वरचंद विद्यासागर के घर पहुंची तो वहां जाकर के क्या देखती है कि एक बुढ़िया चरखा चला रही है। उस बुढ़िया से उन सेठानियों ने कहा कि हम ईश्वरचंद विद्यासागर की माता जी से मिलने आए हैं। उस बेचारी बुढ़िया ने वो चरखा उठाया और एक कोने में रख दिया, उनके लिए बैठने के लिए एक चटाई डाल दी, वो उस पर बैठ गई। फिर उन्हें पानी ला करके पिला दिया और उनके पास में बैठ गई। तो सेठानियां कहती हैं, हमने तुझे आते ही बताया था कि हमें डॉक्टर ईश्वरचंद विद्यासागर की माता जी से मिलना है। जाकर के उन्हें कहो कि कुछ आए हैं मिलने के लिए। सोचा ये नौकरानी होगी। वो बुढ़िया हाथ जोड़ करके कहती है, बहनों क्या सेवा कर सकती हूँ, मैं ईश्वरचंद की माँ हूँ। अब सेठानियां जो बहुत सारे प्रश्न लेकर के आई थी कि तुमने ऐसा बालक जो अपना ये पैदा किया है, जिसका यश फैल रहा है, जब ये तुम्हारे गर्भ में था तुम क्या खाती थी, कैसे रहती थी, कैसे क्या पहनती थी, क्या सोचती थी, ये बहुत सारे प्रश्न थे। लेकिन अब तो एक प्रश्न सामने हो गया। वो कहने लगी कि हम तो ये सोचती थी कि जो इतना बड़ा आदमी है, जिसका चारों ओर यश फैल रहा है, उसकी माँ रेशमी साड़ी पहने हुए होगी, सोने चांदी के गहनों से लदी होगी, पर तुम्हारी तो ये साड़ी भी फटी हुई है, इसमें भी थैगली लगी हुई है, पैमद लगे हुए हैं, और कोई गहना भी तुमने नहीं पहन रखा। अब वो उनको जो उत्तर देती है, मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनना, मेरी बहनों माताओं आप भी सज्जनों सब, ईश्वरचंद विद्यासागर की माता जी कहती हैं कि तुमको वो गहने दिखाई नहीं देते, लेकिन मैंने वो सब गहने पहन रखे हैं। जब मेरे बेटे की सभाओं में उसका भाषण सुनने के लिए दूर दूर से लोग पैदल चल करके आते हैं और उनके पैरों में जो थकान होती है वही मेरे पैरों की पायल बन जाती है। अपने बेटे की प्रशंसा के दो शब्द जब इन कानों से सुनती हूँ वो मेरे कानों के कुंडल बन जाते हैं, मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है, मेरा सम्मान होता है, वही मेरे नाक की नथनी फूली बन जाती है। जब मेरे बेटे के गले में लोग फूलों की माला डालते हैं उसके स्वागत में, वो उसके गले में पड़े हुए फूलों के हार मेरे गले का नेकलेस लॉकेट बन जाता है। और जब अपने बेटे के मेहमानों को अतिथियों को अपने इन बूढ़े हाथों से मैं पानी पिला देती हूँ या दो रोटियाँ बना करके खिला देती हूँ, वही मेरी उंगलियों की अंगूठी और हाथों के कंगन बन जाते हैं, मेरे संपूर्ण जेवर आभूषण मेरा बेटा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जीवन है ये क्या जीवन जिसमें ना रवानी है। रवानी कहते हैं गति, जिसमें गति नहीं है वो जीवन अच्छा नहीं है। गति नहीं है तो फिर दुर्गति है, ये तो होना आवश्यक है। इसलिए आओ, अपने लिए जो जिए इस जहान में जियो, ये जीना भी क्या जीना है, बातें रखना ध्यान में जियो। अपने लिए जो जिए इस जहान में जियो,
भी क्या जीना है, बातें रखना ध्यान में अरबों का वाली है। मान लो करोड़ों कोई अरबों का वाली है, दया और उदारता से हृदय उसका खाली है, केवल चोले का अंतर है उसमें और है वास में की हो अपने लिए जो जिए होकर भी कौड़ी दान करता ना, लक्ष्मी पति होकर भी कौड़ी दान करता ना, खेलता माया से निष्दिन ईश्वर से डरता ना, करता ना सत्कार किसी का धन के गुमान में जी हो अपने लिए मरता हो पड़ोस में, भूख से किसी का बालक मरता हो पड़ोस में, धनी राम ज्यादा खा के अफरता हो पड़ोस में, लानत तेरे इस खाने पर खाक तेरी शान में जी हो अपने लिए जो जिए करके जाना है, जिस पे है गुमान एक दिन छोड़ करके जाना है, मिट्टी के पुतले तेरा मिट्टी में ठिकाना है, मिट्टी के पुतले तेरा मिट्टी में ठिकाना है, ऐसा ही बेमोल नियम है प्रभु के विधान में खाते हैं हम, ये रोटी थाली में आने तक इस रोटी में कितने हाथ लगे हैं आपके पास गिनती नहीं है, भूल जाओगे गिनती। इसलिए ये जीवन जो है हमारा अकेले का अपना नहीं है, ये तो न जाने कितनों के सहयोग से हम जी रहे हैं और हमारा भी सहयोग किसी के लिए निश्चित रूप से अपेक्षित है, हम भी करें। हिसाब लगा करके देख लो रोटी कितने लोगों के हाथ लग करके हमारी थाली में आई है।
रोटी रोटी को देख लो पहले तो। फिर किसान ने जो खेत में इसको पैदा किया अन्न को, जो उपकरण उसने प्रयोग किए हैं उस खेत में, उन्हें बनाने में कितने हाथ लगे, जिन फैक्ट्रियों में ये बना उन फैक्ट्रियों को बनाने में कितने हाथ लगे, और ये लोहा कोई ऐसे ही नहीं आ गया फैक्ट्री में सीधा, खदान में से जब इसको निकाला है मजदूरों ने, कितने मजदूरों के हाथ उसमें लगे हैं, और वो फिर जो है उसने जो वेस्ट मटेरियल था उसे फैक्ट्री में ला करके पिघला करके शुद्ध लोहा अलग किया गया और वेस्ट मटेरियल को अलग। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गिनती नहीं है हमारे पास, गिनती खत्म हो जाएगी, इन सब लोगों के सहयोग से ये हमारी थाली में रोटी आई। इसलिए अपने लिए जो जिए इस जहान में, ये जीना भी कोई जीना नहीं है, ये बात रखना ध्यान में। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज के बिना हमारा निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम अपनी दिनचर्या को अच्छी बनाएं, सुखी जनों के साथ मित्रता, दीन दुखियों पर दया, धर्मात्मा को देख करके प्रसन्नता और दुष्टों से अपेक्षा, ये व्यवहार हमारा हो, सत्यवाणी हो, और परमात्मा ने जो ये ज्ञानेन्द्रियाँ हमको दी हैं इनका भी हम सदुपयोग ही करें समाज के अंदर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपने मन बातों को सुनने।